हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास फोर्थ की हिंदी व्याकरण बुक से, जो कि एडवाइज़र की है। ये जो आप देख रहे हो हिंदी व्याकरण बुक का कवर पेज है, जो कि कुछ इस टाइप से हैं। आगे चलते हैं तो बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की। तो फ्रंट पेज पे इसके विषय सूची मतलब इंडेक्स दिए हुए हैं, जिसमें चैप्टर्स के नाम एंड उनके पेजेस नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट चैप्टर है जो है भाषा यानी लैंग्वेज। तो ठीक है, हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है भाषा यानी लैंग्वेज, कि भाषा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो भाषा मोस्ट ऑफ, जैसे हम दो लोगों के मध्य जो बातचीत करने का तरीका होता है, जो बातचीत होती है, या किसी के बात को हम सुनते हैं, समझते हैं, हम उनको अपनी बात बताते हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो बात जो एक माध्यम होता है ना अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का, उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो बस इसी के बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो ठीक है, सचिन अपनी मम्मी पापा के साथ कल पुस्तक मेले में गया था। उसने जो कुछ वहाँ देखा उसका वर्णन वह बोलकर अपने मित्रों से कर रहा है। मतलब ये जो सचिन है, जो अपने मम्मी पापा के साथ कल पुस्तक मेले में गया था, बुक फेयर में, उसने जो कुछ वहाँ देखा उसका वर्णन मतलब उसके बारे में वो है जो अपने मित्रों से बोलकर मतलब अपनी आवाज़ के जरिए मतलब बोलकर उनको बता रहा है। और उसके मित्र भी उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब पूरे मज़े लेकर सुन रहे हैं। तो तभी कक्षा में हिंदी अध्यापक ने प्रवेश किया और कहा, बच्चों पुस्तक मेले पर एक निबंध लिखकर बताओ। मतलब जो क्लास में जो हिंदी टीचर्स हैं, उन्होंने उनको बच्चों को सारे सबको पुस्तक मेले पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। तो आपने देखा, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरों की बात को सुनकर समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। मतलब इसका इजीली फॉर्म होगा कि जैसे हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को हम सुनकर समझते हैं, वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे भाषा दो व्यक्तियों के मध्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। मतलब भाषा है जो दो लोगों के बीच अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। मतलब दो लोगों के बीच अपने विचारों को रखने, उनके विचारों को समझने का एक माध्यम है। तो अब आपको पूछेंगे ना भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा मोस्ट ऑफ तीन प्रकार की होती है, मतलब थ्री टाइप्स की होती हैं। पहली भाषा है जो है मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। तो मतलब भाषा हो गई कि बस दो व्यक्तियों के बीच अपने विचारों को रखना, अपने उनके विचारों को समझना या अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम जो होता है वो भाषा होता है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है, कि भाषा तीन प्रकार की होती है, मतलब थ्री टाइप्स की होती है। तो पहली होती है मौखिक भाषा। पहली भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझना मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। जैसे गुरुजी द्वारा प्रवचन देना, मतलब मौखिक भाषा वह है जो अभी मैं आपको बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये कौन सी भाषा के रूप में है, ये मौखिक भाषा के रूप में है। मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ आप समझ रहे हो, ये भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। या अपने घर पर आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, या फिर आप अपने भाई बहनों से जो बातें करते हो वो आपको अपनी बात बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आती है, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। मतलब अपने विचारों को बोलना और उनको बोलकर समझाना मौखिक भाषा कहलाता है। मतलब बातचीत का जो तरीका होता है ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। सेकेंड आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा अपने विचारों को प्रकट करना तथा दूसरों लिख कर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे सजल द्वारा अपने मित्र को पत्र लिखना, लिखित भाषा। मतलब अपने विचारों को लिख कर प्रकट करना और पढ़कर समझना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे जब हमारी एग्ज़ाम होती है तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन पेपर आता है, वो हम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखे हुए होते हैं और उसका आंसर हमें आता है, फिर उसका आंसर हम उसको लिख कर देते हैं। तो ये जो हमारा जो एग्ज़ाम वाला जो होता है वो क्या होता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। मतलब हम
उसको पढ़ते हैं, पढ़कर हमें जो क्वेश्चन के आंसर जो आते हैं हम उसको लिख कर एग्जामिनर को देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लिखित भाषा के रूप में होता है। जैसे आजकल मैसेज वगैरह सोशल साइट्स पे होते हैं, तो जो हम मैसेज करते हैं तो हम लिख कर किसी को अपनी बात बताते हैं और उनका रिप्लाई जो आता है वो लिख कर आता है, उसको हम पढ़ते हैं, तो वो भी लिखित भाषा के रूप में जाना जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो मतलब अपने विचारों को लिख कर प्रकट करना और पढ़ कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना वगैरह ये भी किसके अंतर्गत आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो थर्ड जो रूप है इसका वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब संकेत कर बताना या इशारों में अपनी बातें बताना, मतलब अपने भावों को इशारों या संकेतों के द्वारा प्रकट करना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सड़क पार करने का संकेत करना, सांकेतिक भाषा वो होती है जिन्हें हम चिन्हों के माध्यम से समझ जाते हैं या किसी के इशारे से हम समझते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा कहलाता है। अगर आपने कहीं देखा है तो जो हाईवे या जो सड़क पर जो पुलिस कर्मी खड़े होते हैं, जो मतलब ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती हैं, वो अपने इशारों से लेफ्ट, हमें लेफ्ट जाना है या मतलब लेफ्ट साइड खड़े होना या राइट, या फिर जहाँ ट्रैफिक होती है वो स्टॉप रुकने के लिए वो जो कहता है, तो वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है, वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। मतलब संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से इशारा करना, ये किसका रूप होता है, ये सांकेतिक भाषा का रूप होता है। मतलब इशारों के माध्यम से हमें जो चीज़ समझाते हैं, एक दूसरे के इशारे हम समझते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो ये भाषा मतलब आ गई कि दो व्यक्तियों के, जैसे कि हमने देखा कि भाषा मतलब भाषा दो व्यक्तियों के मध्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। मतलब दो लोगों के बीच के जो बातचीत करने का तरीका होता है, जिसे बोलकर मतलब जिन्हें हम अपने विचार उनको बताते हैं, ये भाषा कहलाती है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा तीन प्रकार की हो गई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मतलब बोलकर समझाना और उनके उनको सुनना, ये मौखिक भाषा कहलाता है, और लिखकर बताना और पढ़कर समझना, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा अपने भावों को इशारों या संकेतों के द्वारा प्रकट करना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। मतलब इशारों के माध्यम से अपने विचारों को बताना और उनके इशारों के माध्यम से उनके विचारों को सुनना या उनकी बात को समझना सांकेतिक भाषा कहलाता है। आई होप बच्चों आपको ये भाषा जो है, हमने जो भाषा पढ़ी है, आपको समझ में आई होगी। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट है लिपि। लिपि मतलब क्या होता है, लिपि होती है जो ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हम अपने बात या मतलब जो हम कुछ लिखते हैं, ध्वनि जो हम लिखते हैं, मतलब वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी जो वर्ड होते हैं उनके एक अलग लिपि होती है, जो उनके लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं, जो निश्चित एक आर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत अलग लिखी जाती है, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, ये हो गई भाषा। और इनकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। ये कौन सी लिपि है, देवनागरी। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली की जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी। पंजाबी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, जो पंजाबी लैंग्वेज लिखते हैं उसकी जो लिपि होगी वो है गुरुमुखी। बांग्ला, बांग्ला की जो लिपि है बंगाली, बांग्ला की लिपि कौन सी है, बंगाली। फिर आती है इंग्लिश, इंग्लिश की लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी लिपि कौन सी है, रोमन। इंग्लिश भाषा जो होती है वो कहाँ की लिपि है, रोमन। उर्दू, उर्दू की लिपि होती है फारसी, उर्दू की लिपि कौन सी होती है, फारसी। तो फिर आता है व्याकरण, व्याकरण मतलब भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इस नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मतलब अभी आपसे कोई पूछेगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मतलब भाषा को लिखने के लिए हमें एक शुद्धता की भाई ज़रूरत होती है, यानी शुद्ध और अशुद्ध चीज़ों का ज्ञान होना होता है ना, तो वो हमें व्याकरण के माध्यम से होता है। मतलब जो चीज़ हम शुद्ध रूप से लिखते हैं तो उसे हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे भोजपुरी ब्रज भाषा
खड़ी बोली अवधि, मगधी आदि बोली होती है, मतलब सीमित क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बांग्ला में बंगाली, और जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जा भाषा होती है वो अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे भोजपुरी, ब्रज भाषा, खड़ बोली, अवधि, मगधी आदि। जैसे महाराष्ट्र जाओगे वहाँ मराठी बोली जाएगी, और गुजरात जाओगे तो वहाँ गुजराती बोली बोली जाएगी। तो ये जो अलग अलग जो क्षेत्रों में बोली भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हम राजस्थानी हैं तो हम मारवाड़ी और राजस्थानी दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, बोली होती है। जो हम मारवाड़ी बोलते हैं वो बोली होती है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो बाद में हम चलते हैं इसके अभ्यास की ओर, मतलब क्वेश्चन आंसर की ओर। तो ये क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला प्रश्न है आपका, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो भाषा से हमने अभी आपको बताया कि दो व्यक्तियों के बीच अपने विचारों को आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। और लिपि से ये मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके तीनों फोर्थ बोली किसे कहते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है सब बच्चों आपका ये होमवर्क है, जो आप मुझे करके ग्रुप में डिसेंड करोगे। ठीक है, फिर आता है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो सही शब्द पहला है, भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि। फर्स्ट में क्या आएगा, मतलब भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। भाषा के दो रूप, लिखित एंड मौखिक। सेकंड में क्या आएगा, लिखित एंड मौखिक। भाषा के दो उदाहरण देने आपको, वैसे तो तीन दिए हुए हैं लेकिन इसमें दो पूछे हैं, भाषा के दो रूप लिखित तथा मौखिक। तो भारत में विभिन्न क्या बोली जाती है, भाषाएँ बोली जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है, अभी हमने पढ़ा था व्याकरण जो है हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए जानकारी देता है। फिर है थर्ड प्रश्न है, वह सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो हिंदी की लिपि गुरुमुखी है, जी नहीं, हिंदी की लिपि हमने अभी पढ़ी थी वो है देवनागरी, तो ये क्या है, रॉन्ग है, तो आप उसको रॉन्ग करोगे। सेकंड है, मन के भावों को लिखकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, नहीं, लिखकर प्रकट करना या लिखे हुए को पढ़ना लिखित भाषा कहलाता है, ना कि मौखिक भाषा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, तो इसको भी हमें रॉन्ग करना है। थर्ड आता है, SMS करना भाषा का लिखित रूप है, जी हाँ ये राइट है, जिसे हम लिखकर बताते हैं ये क्या है, लिखित भाषा का ही रूप है। अब ये है सही मिलान करें, मतलब उर्दू, उर्दू कौन सी भाषा है, फारसी, तो उर्दू को क्या करना है, फारसी से ऐसे मिलान करना है। ठीक है, अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी कौन सी भाषा है, रोमन, तो इसको रोमन से मैच करना है। बांग्ला कौन सी है, बंगाली, तो इसको बंगाली से मैच करना है। गुजराती कौन सी है, अभी आती है गुजराती भाषा, तो गुजराती कौन सी होती है, पंजाब, तो गुजराती आती है, गुजराती है हमारी देवनागरी, तो इसको इससे टच करना है, इससे इसको मिलान करना है। पंजाबी है, पंजाबी है जो हमारी गुरुमुखी, तो पंजाबी को गुरुमुखी से ऐसे मिलान करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प कर चिन्ह लगाइए। तो ये आपका और चार क्वेश्चन वे, ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे करके ग्रुप में रिसेंड करोगे। मैंने पांच क्वेश्चन आपको होमवर्क के दिए हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया मैं आपको वापस से ये बताऊंगी। ठीक है, ओके बाय बच्चों।